यही कहना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से जो कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, अपील यही रहेगी कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को उन्होंने थोड़ा सा, हम सभी लाइट लेते हैं, जो ही केसेस कम हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, मास्क रखना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए शादियों का जो आज सीज़न चल रहा है, वहाँ जहाँ भी ज़्यादा गैदरिंग होगी वो मास्क रखें और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। बाकी जो इम्यूनाइज्ड है सारे, ऑलमोस्ट हमारी जो पॉपुलेशन है सारों ने वैक्सीन करे हैं, वैक्सीन से भी हमें बड़ा प्रोटेक्शन मिला है। उसके बगैर जिसको कोविड हुआ भी है तो उससे भी एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है। जो भी केसेस अब आ रहे हैं उनका जो सीवियरिटी बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन SOPs का ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है ताकि ये और ना फैले। ऐसा कि आपको पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 10-15 बेड्स रखे हैं कोविड के लिए, जो चलते आ रहे हैं। आज भी हमने कल ही सर्कुलर निकाला एक, जिसमें हमको बोला गया है कि अगर कहीं एडमिशन्स हो गए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10-15 बेड्स हमने रेडी रखे हैं, उनमें से कुछ फिक्स बेड्स रखे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। देखिए बूस्टर डोज का आपने तो देखा होगा, फ्रंट लाइन वर्कर्स का हो गया बूस्टर डोज, ओल्ड एज जो मोर देन 60 उनका हो गया, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है उनका बूस्टर डोज हो गया, वो तो दैट्स गोइंग ऑन। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।